हाय दोस्तों, शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज आया हूँ मैं नम्होल गांव में, और यहाँ पे सुभाष जी हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, तो इनसे मिलवाऊंगा। और साथ में जो है इनके जो ये देखिए पशु, कितने पशु हैं, तो ये इनसे पूछूंगा इनके बारे में भी। और देखिए आप लोग भी कितने सारे पशु पाले हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये, और कितनी इनकी इनकम है। तो आइए देखते हैं और इनका काउ शेड भी देखते हैं। ये बाहर हैं अभी और काउ शेड यहाँ पे है, तो आइए अब इनसे पूछते हैं कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, हमारे सुभाष भाई, तो आपकी इंट्रोडक्शन करवा लेता हूँ इनसे पहले। तो भाई आपका नाम क्या है? सुभाष चंद। अच्छा, घर? घर नम्होल। अच्छा, तो ये जो काऊ है ना, ये इतनी सारी काऊ आपने अपने आप खुद पाली है कि खरीद के किया है भाई आपने? मिक्स है, कुछ खरीद के कुछ ऐसे। अच्छा, पाल के भी किए हैं, कुछ खरीद के लाई है। और ये कपड़ा जैसा क्यों रखा है इनके ऊपर? तो जैसे ठंडे मौसम खराब है ना, हाँ, उसकी वजह से थोड़ा। वाह यार, कितने अच्छे से आप केयर करते हो इनकी। ये जो ये वाली गाय है, ये लाल जैसी, ये आपके घर की है या फिर खरीद के की थी? घर की है। और 5 साल की? और कितनी बार सूख गई है? 3 बार सूख गई है। अच्छा, ये देखिए भाई लोगों, आप इतनी इतनी बड़ी हो गई है, 5 साल की, और दो बार सूख गई है। और ये जो मैट है, ये सब पशुओं के नीचे है? सब सबके नीचे है, अंदर बाहर सारे? अंदर बाहर सारे। और ये जो ये है, ये वाली का ये भी अपनी पाली हुई है। अच्छा, और ये आगे वाली भी? ये भी अपनी पाली हुई है। देखो, इन्होंने अपने ही ये जो है पशु अपने आप पाले हैं, और इतनी बड़ी बड़ी गाय हैं। और बाहर से इन्होंने एक आधा लाया होगा, बाकी जो है अपने आप इनकी केयर करके इतनी बड़ी बड़ी हो गई है। ये एक कितनी बार सुई है ये वाली गाय? ये 4 बार। अच्छा, और ये जो काली जैसी, और ये वाली गाय? ये खरीद के लाई है पंजाब से। पंजाब से लाई है? ये कितने की पड़ी थी आपको? ये पड़ी थी 60,000 के। अच्छा, ये वाली गाय जो है, ये सर हमने पंजाब से लाई थी खरीद के। अच्छा, 60,000 के आसपास। 60,000 की जी। और इसके नीचे दूध कितना है? दूध आजकल यही होगा कोई 14 या 15 लीटर पर डे। 14-15 लीटर पर डे। अच्छा। और अब नेक्स्ट ये भी हमने खरीद के लाई है अपने यहाँ लोकल गांव से। ये कहाँ से लाई है? लोकल यहाँ खरीद के। अच्छा, ये कितने की पड़ी थी? और ये पड़ी उस टाइम मुझे 30,000 की। ये नस्ल कौन सी है? जर्सी। जर्सी है? जर्सी क्रॉस है। अच्छा, जर्सी क्रॉस। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये कितना दूध देती है फिर? आजकल दे रही है 6 महीने की गाभिन है, और फिर भी मतलब 9 लीटर दूध दे रही है। 9 लीटर जी। अच्छा, और ये भी मैंने खरीद के लाई है अपने यहाँ लोकल ही ली है। अच्छा, ये भी इधर उधर से ही लाई, गांव से ही है ना? और फिर ये साली खरीद के लाई थी है। ये कितने की है? और ये लाई थी उस टाइम मैंने 40,000 में। 40,000 और इसके पास दूध है 26-27 लीटर। 26-27 लीटर जी। 26-27 लीटर इसके पास दूध है। अच्छा। और ये दूसरी साइड चलते हैं अब। इसके बाद ये हाँ जी पंजाब से खरीद के लाई है। हाँ, इसको 2 महीने से ये कोई हुआ है। और ये कितने की लाई है पंजाब से? पंजाब से लाई थी 55,000 में। और ये क्रॉस में है या फुल एच एफ है? फुल एच एफ है ना। और ये दूध दे रही है आजकल कितना दे रही है? 22-23 लीटर पर डे। पर डे 22-23 लीटर। और इसके साथ में ये भी मैंने खरीद के लाई है यहीं से। अच्छा जी, इसको भी नज़दीक से दिखा देता हूँ मैं। ये कितने की खरीदी थी? सर ये लाई थी मैंने 35,000 में। अच्छा, 35,000। हाँ जी। और ये कितनी बार सुई है? अभी पहली बार सुई है। और इसके नीचे कितना दूध है? दूध दे रही है आजकल कोई 14 या 15 लीटर। अच्छा, पहली बार सुई है तो इतना ही देगी, और दूसरी बारी में और बढ़ेगी? 20 के प्लस ही होगा।
अच्छा, और ये साथ में जो अच्छी है ये कितने साल की है? ये अभी ये कोई 7 महीने की। अच्छा, आप एक बात बताएंगे, ये इनको चारा जो है वो क्या क्या देते हैं आप, और कितना चारा खा लेती हैं ये ऐसे घास? आजकल तो चला है कुट्टी ना सर, परमानेंट। क्या क्या चारा ये? जैसे आजकल टंडे ब्यूड़ है हमारा लोग यहाँ का जो है। अच्छा, हरा घास। हरा घास, हरा घास और ये सूखा भी, ये जो ये चीज है ये वाला ना, मिक्स करते कुट्टी करके मिक्स करके सारा इनको। और कितना अच्छे से जो इनका रख रखाव करते हैं। और ये जो भैंस नहीं है आपके पास, सिर्फ ये है ना? सिर्फ ये लाई हुई है, दाड़ला से खरीद के लाई है, छोटी सी लाई थी ऐसे बस, अब तो काफ़ी बड़ी हो गई। अच्छा, दाड़ला से? हाँ जी, हाँ जी। और ये अपनी पाली हुई बच्ची है। ये कितने महीने की होगी? 1 साल की होगी सर। और इसमें टीका ले, टीका ले लिया है जी। अच्छा, ये फिर ये कौन सी नस्ल है? ये जर्सी है सर। ये जर्सी जी। और ये साथ में एक और साहिवाल नस्ल की बच्ची, ये अभी एक मिनट उठाओ बोला इसको, ये साहिवाल 4 महीने की हुई है। ये है साहिवाल नस्ल जी, इसकी है। अच्छा, इस गाय की है ये? हाँ जी, हाँ जी। वेरी गुड। अच्छा, और यहाँ पे करते हैं आप कुतरा है ना जी? अच्छा, ये है आपका टोका है ना जी? अच्छा, ये कितने का लाया था भाई? ये तो लाया था 22,000 में। 22,000 जी। इसमें स्पेशल क्या है, इतना महंगा क्यों है? इसमें ये कि मतलब कुट्टी भी थोड़ी फास्ट होती है और एक ही जगह पड़ती है, इधर उधर नहीं बिखरती है। अच्छा, एक ही जगह पड़ेगी। इसका ढक्कन है ऊपर से, तो खुला हुआ ना। अच्छा, इसका ढक्कन है बस, इसका भी बस ये। अच्छा, ढक्कन और ये बस ऐसे इसके नीचे है। अच्छा, इसको बंद कर देना है और फिर कुतरा करना शुरू कर देना नीचे ही बस, इधर ही डलेगा, इधर ही डलेगा ना जी। और ये होता है आपके मिक्स घास और जो ये टंडे है ना, ये वाला घास देते हैं आप। और आपके बरसीन नहीं है क्या? हाँ जी, बरसीन भी है, अब स्टार्टिंग है उसकी बरसीन की। अच्छा, उसके बाद बरसीन ही चलने वाली है। बड़ी बड़ी हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। और अपना वो काउ शेड दिखाएंगे आप अंदर वाला? ये जो ये मैट है, ये सब के नीचे मैट बिछाया आपने ना? और कितने का पड़ता है एक मैट जो है ये? मैट पड़ता है सर, उस टाइम पड़ता सर 3,000 के आसपास जो मैंने लिया था। अच्छा, ठीक। और अब चलते हैं इनके काउ शेड में अंदर। और ये देखिए, यहाँ पे भी जो है वो मैट पीछे हैं, और ये पशुओं को बांधने के लिए देखो कितना अच्छे से इन्होंने पशुओं के लिए सुविधा दे रखी है। और ये देखिए पंखे, साथ में जो है पंखे भी लगाए हुए हैं सभी पशुओं के लिए, ताकि गर्मी ना महसूस हो। और आजकल तो वैसे सर्दियों का मौसम है, पंखे की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इन्होंने पशुओं के रख रखाव के लिए ये सब कुछ किया है। और ये देखिए, गर्मियों के दिन आप ये ऐसे रखते हैं या फिर ये उठाते हैं? प्लास्टिक पड़ी हुई है सर, इसको पीछे ऊपर। हाँ हाँ, इससे पीछे प्लास्टिक है। हाँ, और तो आगे जाली है ना, नेट लगा है, गर्मी में जैसे अंदर मक्खी ना आए, कुछ ना आए सर। अच्छा अच्छा, उसके बाद प्लास्टिक है बस, वो ऊपर करके। ठीक, ये उठाई दूध निकालने की। अच्छा, ये दूध निकालने की मशीन है ना? हाँ जी, ये एक साथ ही दो गायों को जो उभरती है चो देती है ना। हाँ जी। अच्छा, फिर ये कितने की पड़ी थी और कहाँ से लाई थी आपने? ये सर करनाल से मंगवाई थी, हमारे यहाँ कामधेनु संस्था के द्वारा। अच्छा, मंगवाई गई थी, उसके माध्यम से हमने ली थी, और उस टाइम पड़ी थी हमें कोई 35,000 में। 35,000 में, और एक साथ दो गाय जो है दूध सकते हैं ना आराम से। और फिर जो ये है, ये कढ़ाई जैसी, ये क्यों रखी है आपने, क्या है इसमें? जैसे आजकल नई नई गाय, जैसे नई गाय सुई है ना। हाँ हाँ, उसके लिए नया कुछ दाला वगैरह बनाने के लिए। अच्छा, गर्म गर्म ही खिलाना फिर, है ना? ठीक है, तो भाई धन्यवाद। और आपके साथ जो है और भी कोई काम करता है इन पशुओं का, कि आप खुद देखते हैं? और मेरी फैमिली है पूरी जो इसको हैंडल करती है। एजुकेशन कितनी है भाई आपकी? नहीं तो मैट्रिक है सर। अच्छा, फिर आपने यही काम स्टार्ट किया? हाँ, सभी ने। कितने कितने मेंबर हैं आप, और कितने इनका काम संभालते हैं गांव का? तो चार ज़्यादातर लेडीज हैं। अच्छा, दो भाभी, तीन भाभियाँ हैं, एक मैं खुद हूँ। अच्छा, और एक आपकी मिसिज है। ठीक है, तो सभी काम संभालते हैं ना? जी, सभी। अच्छा, फिर
सभी इकट्ठा होके काम करते हैं आप लोग, और बहुत अच्छा लगता है जब पूरा परिवार काम करता है और इकट्ठे होते हैं शाम को, है ना। तो अच्छा, फिर ये बताइए आप टोटल दूध जो है वो एक दिन में कितना बेच देते हैं? आजकल जैसे कोई सुने भाई है, कोई कुछ है, तो मतलब आजकल 80 लीटर पर डे जा रहा है। और सर्दियों का है मौसम, तो सर्दियों के मौसम में ऐसे भी कम हो जाता है दूध, है ना। और फिर कितनी इनकम हो जाती है आपकी पर मंथ इस दूध से? पर मंथ ये 87,000 रुपये। अच्छा, फिर जो आप ये फीड और क्या क्या देते हैं आप इनको, वो कितने तक का जो है आप खरीद देते हैं इनके लिए? 35,000 में जो आ जाता है, बाकी तो अपना होता है सारा। जैसे कि क्या क्या खिलाते हैं, फिर भी मेरे दोस्तों को भी पता लगना चाहिए ना। काम दिन से फीड तो वहीं से आती है सारी आजकल। कौन सी फीड है उनके यहाँ? Type 1 बनाई हुई है। अच्छी, उसमें जिससे प्रोडक्शन में पशुओं का दूध भी बढ़े और पशु भी अच्छा तरह हो रहे हैं। अच्छा, फिर और साथ में कुछ और देते हैं या फीड ही देते हैं? नहीं, फिर अपना बनाया हुआ दर्द भी देते हैं ना। उसमें क्या क्या डालते हैं आप लोग? नहीं, सिर्फ मक्की जी। दरड़ में जो है वो आप क्या क्या मिक्स करते हैं जो मतलब फीड के साथ देते हैं? मक्की होगी, जौ हो गए, थोड़ा और कुछ गेहूं वगैरह, है ना। अच्छा अच्छा, फिर इससे जो है वो पशुओं पे मतलब ताकत बनी रहती है और फीड से जो है दूध काफ़ी बढ़ता है इनका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। और बरसीन वाला खेत दिखाएंगे आप मुझे? अच्छा जी, तो ये ग्रीन हाउस भी आपका है क्या? जी, हमारा ही है। अच्छा, इसमें आजकल क्या बीज है? आजकल शिमला मिर्च चली है सर, अर्कल थे पहले, अर्कल खत्म, अब शिमला मिर्च बीजी हुई, शिमला मिर्च चली है। ठीक है जी। और ये देखिए कितने मेहनती लोग हैं और कितने सारे पशु जो है इन्होंने इकट्ठे किए हैं, और इनसे आप फ़ायदा भी ले रहे हैं और पलाई भी इनकी अच्छी कर रहे हैं। तो सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना टाइम लिया मैंने। तो ठीक है जी, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे।